दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में गर्मी का माहौल जारी है। आपको बता दें कि दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से लगातार प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के द्वारा आज महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में भाजपा पर तमाम आरोप लगाए गए। बता दें कि पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे ने बृजमोहन अग्रवाल सहित भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी पर कहा कि दक्षिण विधानसभा का विकास पूर्ण तरीके से ठप हो चुका है, सड़कों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, साथ ही दक्षिण विधानसभा की जनता बदलाव की ओर नजर ताकी बैठी है। प्रमोद दुबे ने आगे कहा कि तकरीबन 5,000 करोड़ का कार्य उनके कार्यकाल में हुआ, जबकि महापौर रहे सुनील सोनी के समय निगम के लिए काफी हद तक घाटे का साबित हुआ। उनके समय निगम पूर्ण तरीके से कर्ज में चला गया था, जिसको वापस पटरी में लाने का काम उनकी सरकार के द्वारा किया गया। लगातार भूपेश सरकार में वार्डों की तरक्की और विकास के लिए कार्य किए गए। आगे उन्होंने कहा कि नगरी प्रशासन मंत्री अरुण साव पक्षपात करते हुए सारा फंड एक ही वार्ड के विकास के लिए आवंटित कर रहे हैं, जबकि रायपुर में 70 वार्ड हैं। दक्षिण विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों में पूर्ण तरीके से रोक लग गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत के बाद दक्षिण विधानसभा के विकास को फिर से मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। कि हमने भी 1,000 करोड़ के काम का लेखा जोखा आज सार्वजनिक रूप से किया, लेकिन ये क्या कोई बताने की बात होती है? अरे आप क्या अपमानित करना चाहते हैं क्या? रायपुर दक्षिण की या रायपुर शहर की जनता को आपने काम किया तो ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन वो उपकार समझ के जिन बातों को बता रहे हैं, तो भाई आपको जनता ने चुनाव जिताया, आप काम किए, हमको जनता ने जिताया, लेकिन आपके कामों की फेहरिस्त अलग है, हमारे कामों की फेहरिस्त अलग है। हमने अस्पताल बनाया, हमने वो गरीब बच्चों को, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए आत्मानंद स्कूल बनाया, हमने उद्यान बनाया, हमने तालाब बनाया, हमने लोगों की जो रोजगार से संबंधित जो चीजें थी उस पर हमने फोकस किया, और हमने ये कोई उपकार नहीं किया, ये हमने अपने कर्तव्यों के तहत कहा। और भारतीय जनता पार्टी वो अधिकार मानकर उनको वोट के रूप में तब्दील करना चाहती है, मैं इसे उचित नहीं मानता। ठीक है, आपने काम किया, आपको जनता ने जिताया, आपने अपने मैनोफेस्टो में लिखा था इसलिए आपने काम किया। भाई हमने अपने मैनोफेस्टो में लिखा था तो हमने काम किया, उसमें कौन सी बात है? लेकिन ये बार बार बताना, तो आप रायपुर शहर की जनता को आप अपमानित क्यों कर रहे हैं भाई? अब मेरे को इस बात का दुख है कि बार बार एक ठो टिकरा पारक नाली को वहीं का पार्षद बताता है कि ये नाली मैं बनाया भाजपा का, उसके बाद सुनील सोनी जी कहते हैं नाली मैं बनाया हूँ, उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं नाली मैं बनाया हूँ, उसके बाद सांसद जी भाजपा के वो भी कह देते हैं ये नाली को मैं बनाया हूँ, नाली नहीं सोना चांदी का वो हो गया। इससे पहला काम देश का सबसे ऊंचा झंडा 82 मीटर का झंडा, वहां से हमने शुरुआत की, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी हैं उनके घर में सुबह 6 बजे से जो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर मैं समझता हूँ देश का सबसे अच्छा काम वो 10 शहरों में रायपुर शहर में हुआ है। उसके बाद विसर्जन कुंड हमने बनाया, तालाबों को बचाने का काम किया, ये रायपुर शहर जो है ये तालाबों और मंदिरों का शहर कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन काल में 15 से ज्यादा तालाब पटे थे, उसका जवाब देगा कौन? भारतीय जनता पार्टी के एकाध नेता आकर के बात बताएं कि कितनी तालाबें उनके कार्यकाल में पटी। ये सारी चीजें हैं, हम हिसाब किताब लेने देने वालों में से नहीं है, अपने कर्तव्य करते जा रहे हैं, बाकी जनता बखूबी समझती है। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।